नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे काइनेटिक एनालिसिस ऑफ मूवमेंट की। जब हम बात करते हैं काइनेटिक्स की, तो काइनेटिक मींस स्टडी ऑफ मोशन विद रिगार्ड टू मोशन विद रिगार्ड टू फोर्सेस। अब फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं? प्राइमरली अगर फोर्सेस को कैटेगराइज किया जाए तो ये दो तरीके के होते हैं, इंटरनल फोर्सेज एंड एक्सटर्नल फोर्सेज। फोर्स क्या है, इससे पहले ये भी समझने की ज़रूरत है, फोर्स इज अ पुश और पुल। मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लोग ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं एक बार, ठीक है, ताकि जब वो रिविज़न करें या फिर क्लासरूम स्टडी के बाद उस चीज़ को दोबारा दोहरा रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ ईजी हो जाए। तो पूरा अच्छे से समझने के लिए किसी भी टॉपिक को बुक पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपको क्लास में उस टॉपिक को अच्छे से अटेंड करना। तो एक्सटर्नल फोर्सेस जो होती हैं आपकी, जैसे ग्रेविटी एक एक्सटर्नल फोर्स है, और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में से बायोंसी की जो फोर्स होती है ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। एयर प्रेशर जो है ये भी एक एक्सटर्नल फोर्स है, और ये कुछ फोर्सेस हैं जो कि हमेशा बॉडी में आपकी एक्ट करती हैं। अब बात आती है ग्रेविटी की, ग्रेविटी बॉडी में एक्ट कहाँ करती है? तो ग्रेविटी बॉडी के हर एक पॉइंट पर एक्ट करती है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को मेजर करने की बात करें कि कहाँ कहाँ पर एक्ट कर रही है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो पॉइंट होता है बॉडी में जहाँ पे बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। अगर हम बॉडी को एक रिजिड ऑब्जेक्ट की तरह समझें, ह्यूमन बॉडी को अगर हम रिजिड ऑब्जेक्ट की तरह समझें और सारे लिम्ब्स को एक एक रिजिड बार की तरह समझें, तो ह्यूमन बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी S2 सेगमेंट के सामने आती है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों की बॉडी सिमेट्रिक हो, ये उन्हीं लोगों के लिए है। जिन लोगों की बॉडी एसिमेट्रिक हो, वहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होने की वजह से ये S2 की पोजीशन चेंज हो सकती है। अब जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक यानी कि एक मान लीजिए कोई लकड़ी का बक्सा है आपके पास, ठीक है, उसके सेंटर में ही आपका जो है, तो अगर हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि हम किसी बॉक्स की बात करें, स्क्वायर बॉक्स की बात करें, तो उसकी जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर के अंदर होता है, के पॉइंट पर होता है। या फिर अगर हम एक मेडिसिन बॉल की बात करें जो कि स्फेरिकल शेप की है, उसमें जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका वो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर होगा। बट जो एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर में नहीं होता। जिसका एग्ज़ाम्पल अगर मुझे आपको देना हो, अगर आप एक क्रिकेट बैट की बात करें, तो क्रिकेट बैट में जो हैंडल वाला पोर्शन होता है वो थिन होता है, वेट कम होता है उसका, लेकिन जो लोअर पोर्शन होता है बैट का वो थिक होता है और उसका वेट भी ज़्यादा होता है। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवी साइड जो होती है ऑब्जेक्ट की उस तरफ प्रेजेंट होता है। अगर आप एक बेसबॉल बैट की बात करें, तो बेसबॉल बैट में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि जो लोअर पोर्शन है उसका वो हैवी होता है और जो अपर पोर्शन होता है वो उसका लाइट होता है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे की साइड पे ज़्यादा होता है। इसके कुछ मैकेनिकल एडवांटेजेस भी होते हैं कि बैट जब स्विंग होता है तो वो हाई स्पीड से स्विंग हो, क्योंकि वेट नीचे की तरफ होने की वजह से जो मोमेंटम जनरेट होता है वो ज़्यादा अच्छा जनरेट होता है। अब हम एक और एग्ज़ाम्पल की बात करेंगे कि ह्यूमन बॉडी में, जैसे अगर आप आगे बेंड कर रहे हैं, तो आगे बेंड कर रहे हैं आप, तो एक आपकी ट्रंक का सेंटर ऑफ मास है, एक आपके लेग का सेंटर ऑफ मास है। जब आप सीधे खड़े हुए हैं तो दोनों लगभग लगभग एक ही लाइन में आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप बेंड करते हैं तो आपके ट्रंक का सेंटर ऑफ मास जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और इस पोजीशन में, फॉरवर्ड बेंडिंग की पोजीशन में, अगर आप बॉडी के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करेंगे, तो ट्रंक का सेंटर ऑफ मास जो है आप मान लीजिए एक पॉइंट पर है, और लेग्स का सेंटर ऑफ मास जो है वो एक पॉइंट पे है। अगर इन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये बॉडी से बाहर थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसीलिए वो वाली पोजीशन मेंटेन करना थोड़ा सा एफर्टफुल काम है। बहुत ज़्यादा एफर्टफुल नहीं है क्योंकि आप इस एक्टिविटी के लिए सक्षम हैं, लेकिन बॉडी के लिए एक, अगर मुझे एग्जांपल के तौर पे समझाना हो कि बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब बॉडी से बाहर फॉल करती है, तो जब आप आगे या पीछे या साइड में बेंड करते हैं तो बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी से बाहर फॉल कर सकती है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ने का हमें क्या एडवांटेज है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ने के हमें बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि अगर आप अपनी बॉडी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में मास ज़्यादा होगा उसी डायरेक्शन में
सेंटर ऑफ मास बॉडी का शिफ्ट होगा, अगर सेंटर ऑफ मास बॉडी का उस तरफ शिफ्ट होगा तो उस डायरेक्शन में बॉडी की स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा न्यूट्रल पोजीशन के कंपैरिजन में। अब हम बात करेंगे फोर्स वेक्टर्स की। फोर्स वेक्टर्स जो हैं आपके, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। पहला पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ पे फोर्स लग रहा है। सेकंड जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जिस लाइन से हम फोर्स वेक्टर को डिनोट करते हैं वो लाइन जितनी लंबी होती है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स उतना ही ज़्यादा होता है। हालांकि वेक्टर जो है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डायरेक्शन, तो एरो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है फोर्स की डायरेक्शन वही हो, चाहे वो पुश की है चाहे वो पुल की है। तो फोर्स वेक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये तीनों चीज़ें आपकी फोर्स वेक्टर में होती हैं। अगर आप किसी बुक को टच कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पे आप बुक को टच कर रहे हैं वो हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप वेक्टर की अगर हम बात करें तो फोर्स वेक्टर में तीन चीज़ें होती हैं, और पहली चीज़ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं या पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर, कितना ज़्यादा ज़ोर से आप उसको पुश कर रहे हैं, कितना धीरे से उसको आप पुल कर रहे हैं, ये होता है मैग्नीट्यूड, जिसको हम डिनोट करते हैं एक लाइन से। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी फोर्स वेक्टर में होती है वो होती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ पुश और पुल, जिसको हम एरो के थ्रू डिनोट करते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से आपका डिस्क्रिप्शन करती हैं किसी भी फोर्स वेक्टर का। बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला सेंटर ऑफ मास, जो कि बेस ऑफ सपोर्ट के बीच में होना चाहिए, ठीक है, बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर होना चाहिए। लाइन ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा से ज़्यादा कम होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो सेंटर ऑफ मास होता है वो जितना ज़्यादा बेस ऑफ सपोर्ट के पास होगा उतनी ही ज़्यादा वो बॉडी स्टेबल होगी। तो जो भी आसन आप ज़मीन पे बैठ के कर रहे हैं या ज़मीन पर कर रहे हैं वो, या जो भी एक्सरसाइज आप ज़मीन पे कर रहे हैं वो रिलेटिवली आप ज़्यादा स्टेबल होंगे कंपेयर टू कि अगर उसको आप किसी एक्सरसाइज से कंपेयर करें जो कि आप स्टैंडिंग पोजीशन में कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ की। न्यूटन ने तीन लॉ दिए थे जिनको आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे। पहला लॉ जो आपको ध्यान होगा वो है एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल इट इज एग्जर्टेड इट कम्स अपॉन अनटिल इट इज सब्जेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल फोर्स। अब फिजियोथेरेपी में इसका क्या, या किसी भी थेरेपी में इसका क्या सिग्निफिकेंस है? अगर आप खड़े हुए हैं, मान लीजिए आपका हाथ जो है वो शोल्डर में है, आर्म वाली जो बोन है आपकी वो शोल्डर के अंदर है, वो कैसे है? कुछ फोर्सेस आर्म को नीचे की तरफ पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ फोर्सेस आर्म को होल्ड करने के लिए, ठीक है। जैसे ग्रेविटी है वो आर्म को नीचे पुल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लिगामेंट और मसल्स की वजह से आर्म जो है शोल्डर के सॉकेट में है। तो इस लॉ को न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। दूसरा लॉ होता है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। किसी भी भारी सामान को उठाने के लिए आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, किसी भी भारी सामान को रोकने के लिए आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो कोई एक इंडिविजुअल है वो एक्सरसाइज कर रहा है या आप कोई वेट के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो मोशन प्रोड्यूस करने के लिए रेस्ट से एक्सेलरेट करके मूवमेंट में लाने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसका ये सिग्निफिकेंस है। थर्ड लॉ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है बायोमैकेनिक्स को समझने के लिए, कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। फोर्सेस ऑलवेज कम्स इन पेयर, ठीक है। जैसे अगर आप ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए हैं, कुछ फोर्स आप ग्राउंड पे लगा रहे हो, कुछ फोर्स ग्राउंड आपके ऊपर लगा रहा है, तो फोर्सेस ऑलवेज कम्स इन पेयर, इट इज़ कॉल्ड एज इंट्रैक्शन पेयर। तो कभी भी अगर आप बायोमैकेनिक्स में जॉइंट सिस्टम की बात करेंगे तो हमेशा आप फोर्सेस को इंट्रैक्शन पेयर की तरह से ही देखें। अगर जो हमने एग्जांपल दिया शोल्डर वाला,
उसी एग्जांपल को हम यहाँ पे देखें कि ग्रेविटी आर्म को नीचे की तरफ पुल कर रही है, ठीक है, लेकिन मसल्स जो है आर्म को, लिगामेंट जो है आर्म्स को ऊपर होल्ड करके रखे। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपकी जो फोर्स होती है, फोर्स के बारे में हम बात करेंगे। फोर्स ऑलवेज कम्स इन पेयर, ठीक है, कभी भी फोर्स आपको अकेले नहीं मिलेगी। फोर्स किसी भी जगह पे लगने के लिए उसका कॉन्टैक्ट एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पे होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन दिस प्लैनेट दे आर सब्जेक्टेड टू फोर्स अप्लाइड बाय ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट पे लग रही है। दो तरह के फोर्स सिस्टम होते हैं, लीनियर फोर्स सिस्टम और पैरेलल फोर्स सिस्टम। लीनियर फोर्स सिस्टम में फोर्स वेक्टर को अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो वो हमेशा ओवरलैप करता है। लीनियर फोर्स सिस्टम में दो तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है, कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से कंप्रेशन मूवमेंट और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस की वजह से डिस्ट्रैक्शन मूवमेंट। कंप्रेशन का मतलब जॉइंट सर्फेसेज आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज का मतलब जॉइंट सर्फेसेज आर ट्राइंग टू मूव अपार्ट बिकॉज ऑफ द फोर्सेज अप्लाइड ओवर दैट। एक कॉमन डे टू डे एक्टिविटी का एक एग्जांपल मैं आपके सामने बोलूँगा अभी। जब आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो आपका जो वेट रिफ्लेक्ट होता है वो क्या है एक्चुअली? अगर हम फोर्सेस की बात करें तो जब आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हैं, कुछ फोर्स आप वेइंग मशीन के ऊपर लगा रहे हैं, कुछ फोर्स वेइंग मशीन आपके ऊपर लगा रही है। तो वेइंग मशीन जो आपके ऊपर फोर्स लगा रही है, वो फोर्स जो है आपका वेट डिस्प्ले होता है वेइंग मशीन के ऊपर। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान रखें, वेइंग मशीन जो फोर्स आपके ऊपर लगा रही है वो वेट आपका डिस्प्लेड वेट होता है जो कि वेइंग मशीन पे डिस्प्ले।